खोज यात्रा के तहत आलोट तहसील के गांव माऊ खेड़ी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को शहर के बिल्ला मंदिर व मंडी थाने का भ्रमण कराया गया। बच्चों के मंडी थाने के भ्रमण के दौरान यातायात आरक्षक मुकेश राठौड़ ने बच्चों को बताया कि थाने में किस तरह एफआईआर दर्ज होती है, कहां मुलजिमों को रखा जाता है और कहां जब्ती के सामान को। बच्चों को यातायात के नियम से भी परिचित किया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अर्चना दुबे, विष्णु शुक्ला, प्रकाश शर्मा, अनिल दुबे आदि मौजूद थे। तो सबसे पहले आए प्रधान आरक्षक लेकर हर थाने में एक दीवान जी बोलते हैं अपनी भाषा में, रिपोर्ट लिखने वाले, इनके पास आके अपनी जो भी समस्या है वो करनी, वो फिर संबंधित को बतानी कि ये जाँच है, लड़ाई झगड़े की सूचना है, किसी अपराधियों की सूचना है, किसी भी समय जो अपराधी को पूछताछ के लिए रोका जाता है उसको इसमें रखा जाता है, लॉकअप बोलते हैं। लॉकअप में एक दिन 24 घंटा उसको पूछताछ के लिए सूचना देना रहता है, जैसे टेलीफोन से देते ना, इसमें पुलिस विभाग में एक रेडियो मैसेज रहता है, वायरलेस सुना होगा ना, वायरलेस पीछे टावर रहते हैं, पूरा उज्जैन भी इससे कंटिन्यू बात हो जाती है, एक बार में पूरे थाने सुनते रहते, जिसको रिप्लाई करना हो अपना वो प्रेस है ना, देखा है प्रेस करने का, ये इसमें रहता है प्रेस बटन, ये पूछ रहा ना, अब जिसको बोलना रहता है वो इसको प्रेस करके बोल देते है ना, तो बिना इसका ये वायरलेस सिस्टम। एक साथ जल्दी जल्दी आ जाओ अंदर, जल्दी जल्दी आ जाओ, जो भी समस्या होती है वहाँ रिपोर्ट लिखाने के बाद यहाँ भेजते हैं, TI साहब समस्या को सुनते हैं, उनके समाधान के लिए टीमें भेजते हैं। उसके अलावा ये पूरे जो रहते हैं वरिष्ठ अधिकारी महोदय, DGP साहब, इस समय IG साहब कौन है, DIG साहब कौन है, उनके नाम और पद और रैंक, उसके बाद ये थाना प्रभारी महोदय की लिस्ट रहती है इसके अंदर। उसके बाद में ये कक्ष थाना प्रभारी महोदय पूरे थाने में CCTV कैमरे से ले, यहाँ DI साहब बैठे बैठे टोटल मॉनिटर करते रहते हैं CCTV के माध्यम से, है ना, आजकल सभी जगह लग गए। चलो अब आपको मंदिर देखना, ऑफिसर है वो लोग बैठते हैं, हर प्रत्येक अधिकारी की अलग अलग टेबल है, जो उनसे पूछताछ करनी, कथन लेने, बयान लेने, कोई साक्ष्य एकत्रित करने, उससे रिलेटेड विवेचना करते हैं, विवेचना मीन इन्वेस्टिगेशन, जो लिखते ना पढ़ाते हैं तो लिखते डायरी में, ऐसे सब केवल डायरियों को लिखना पड़ता राइटिंग में। ये वाला कंप्यूटर रूम है, ये वाला भी देख लो अंदर वाला, सब चलाने वाले पुलिस विभाग के ही रहते हैं, है ना, यहाँ रिपोर्ट वगैरह इसके लिए सभी पुलिस विभाग के स्टाफ रहते हैं, इसमें रिपोर्ट लिखी जाती है, यहाँ पे कंप्यूटर में ऑनलाइन रिपोर्ट लिखी जाती है ना, बाकी ये मेल वगैरह के हैं, कंप्यूटर फोटोकॉपी मशीन है, इंटरनेट से मैसेज भेजना हो, जानकारी भेजना हो, इसमें लिखी जाती है ना, जितने भी थाने उसमें विवेचक कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, हवाला, पुरुष महिला अलग अलग, उसके बाद में एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट माल खाना, माल खाने में जो भी जो जब्ती की जो चीज़ें रहती हैं इम्पोर्टेंट साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत करनी पड़ती, वो सुरक्षित यहाँ रखी जाती है। उसके अलावा इसमें जो भी वेपन्स वगैरह एम्यूनेशन से जो विकट परिस्थिति में पुलिस के काम आते हैं वो सभी इसमें सुरक्षित रखे जाते हैं, इम्पोर्टेंट। काना जी, काना जी और राहुल कालू राम थाने में आप देखते होंगे रैली के माध्यम से, जन जागरूकता नुक्कड़ नाटक, फ्लैक्स बैनर के माध्यम से सड़क सुरक्षा सप्ताह क्यों मनाया जाता है, और संतोष हरिराम सड़क सुरक्षा सप्ताह, आप बता दीजिए आपसे हो सकता है, कैसे आप वाहन चलाते हैं वहाँ पर, कैसे क्या करते हैं, सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मनाते हैं। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि एक्सीडेंट्स नहीं हो, और भी कई चीज़ें रहती हैं, दुर्घटनाएं नहीं हो, सबको सारा ज्ञान हो। बहुत अच्छा होता है, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही, साल भर में जो है आंकड़े एक्सीडेंट्स के एकत्रित किए जाते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भी एक एजेंसी है पुलिस की और स्टेट लेवल पे, तो प्रत्येक दिन जो दुर्घटनाओं का ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है, सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट्स में फ्रैक्चर
हाथ पैर ना, इसके अलावा मृत्यु तक कार्य करने की संख्या बहुत ज्यादा है। इनको देखते हुए एक सप्ताह के रूप में, एक अखबार के रूप में हर जनवरी में ये मनाया जाता है। अब ये 31वां है, मतलब इसके पहले 30 और निकल। इसके अंतर्गत 7 दिनों में एक अभियान के रूप में जो रोड अथॉरिटी रहती, डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाईवे, टोल प्लाजा और एक कमेटी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, रोड सेफ्टी कमेटी, इनके द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है। उसमें पुलिस की जो है भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है कि इसमें जो है प्रचार प्रसार किया जाए, स्कूलों में जाया जाए, बच्चों को नियम बताया जाए, कानून बताया जाए, सावधानियां बताई जाए, सड़क दुर्घटना से कम इसको फॉलो करने से कमी ला सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लाइसेंस लेके गाड़ी चलाना चाहिए बच्चों को, छोटे जो हैं उनको 18, नाबालिग 18 से कम साल वाले उनको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। वो क्या है, स्पीड देना जानते हैं, गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं। का काम नहीं करना चाहिए, अपने वाहन के कागजात सब अपने पास होना चाहिए। छोटे बच्चे हो आप, रोड पे चलने में रोड क्रॉसिंग आपको ध्यान रखना चाहिए, दोनों तरफ देख के फिर रोड क्रॉस करना चाहिए। अपनी गाड़ी वगैरह हैं उनको ठीक से पार्क करना चाहिए, जहाँ भी है बीच रोड पर खड़ी नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। मान लो कोई एक्सीडेंट आपने देखा या और कहीं कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा, तो उसको मदद के लिए 100 डायल भी आप फ़ोन लगवा सकते हैं, सूचना दे सकते हैं पुलिस को, उस पर सूचना हो जाती है। कोई लड़ाई झगड़े की किसी भी प्रकार का कोई इवेंट्स हो जिसमें पुलिस की आवश्यकता, उसका 100 डायल का उपयोग आप सभी अपने पेरेंट्स से भी करवा सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं और एक जागरूक नागरिक होने का परिचय भी दे सकते हैं। तो एक पुलिस की इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जो आप लोगों के लेवल की चीज़ें हैं, रेड सिग्नल पर क्या करना चाहिए गाड़ी को, सामने आपके रेड सिग्नल है, लाल सिग्नल है, उज्जैन जाते हो कोई आप में से, उज्जैन या इंदौर कोई वहाँ सिग्नल रहता है, सिग्नल समझते हो, ट्रैफिक सिग्नल, रेड पे क्या करना चाहिए, गाड़ी को रोकना चाहिए और चलाना कब चाहिए, ग्रीन पे, वेरी गुड, ग्रीन पे चलाना चाहिए। तो रेड पे रुकने का खतरे का संकेत रहता रेड है, मतलब वो सिग्नल पे नहीं रुकना चाहिए, हमारी दुर्घटना हो सकती है, हम चोटिल हो सकते हैं। सड़क दुर्घटना होती सिर्फ 2-5 मिनट की जल्दबाजी से देर भली, दुर्घटना से देर भली, एक मोटो है ना स्लोगन है सड़क दुर्घटना से देर भली। तो हो जाए अस्पताल चले जाएँ या इस टाइप की एक्टिविटी में गिर जाए, चोट लग जाए, क्या नाम है मैडम? अर्चना दुबे। कहाँ से आए आप? माऊखड़ी से। कौन से स्कूल के बच्चे हैं? माध्यमिक विद्यालय माऊखड़ी। माऊखड़ी, किस संदर्भ में इनको मंडी थाने लाया गया? खोज यात्रा। क्या आप इनके क्या अनुभव कराना चाहते हैं? आप इन्हें थोड़ा सा अनुभव हो कि पुलिस थाने में क्या होता है, मंदिर गए तो मंदिर में क्या क्या होता है, यानी मतलब इनकी अपने रास्ता में जो भी हो रहा है विवरण, जो अपन रास्ता में जो कार्य कर रहे हैं, अरे जो ये जो विजिट कर रहे हैं, उनको अनुभव होना चाहिए कि क्या क्या जरूरत लगती है और क्या क्या देख रहे हैं। इसमें कितने, कौन सी क्लास का बच्चे हैं? 6th, 7th, 8th। स्कूल के जो प्रतिभाशाली बच्चे, खोज यात्रा के अंतर्गत स्कूल के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन्होंने प्रदेश की महत्वपूर्ण इमारतें, मंदिर हुआ, पुलिस थाना हुआ, डाक हुआ, इससे परिचित कराना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बच्चों को जानकारी मिल सके कि हाँ हमारे जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो कब बनी, इससे में क्या लाभ है, कौन कौन आते हैं, उसमें प्रकृति के वातावरण से वो अभिभूत हो जाते हैं। हम खोज यात्रा के अंतर्गत आज नागदा पुलिस स्टेशन में आए, हमारी यात्रा खोज यात्रा में एक पॉइंट ये भी है कि बच्चों को पुलिस थाने का भ्रमण कराया जाए और वहाँ के जो वहाँ भ्रमण करेंगे तो बच्चे कुछ सीखेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है और वो भयमुक्त होएंगे, देखेंगे कि हाँ पुलिस थाना इस प्रकार का होता है, रिपोर्ट यहाँ लिखी जाती है, फिर कैसे तफ्तीश होती है, कहाँ जाँच होती है। तो इसे आज हम यहाँ आए, हमारे कई महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ थाने से मिली, यातायात के संबंध में भी बच्चों को काफ़ी मार्गदर्शन यहाँ के स्टाफ द्वारा दिया गया। क्या नाम सर? मेरा नाम विष्णु कुमार शुक्ला। किस पोस्ट? प्राथमिक शिक्षक, एकीकृत माध्यमिक विद्यालय माऊखेड़ी, अलोट।